जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगी। मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, तो आप सभी को गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखो, मैं हूँ सृष्टि की बेस्ट फ्रेंड एंड मैं अमेरिका से आई हूँ एंड उसने मुझे हिंदी सिखाई है एंड ये है अमेरिका का हेयर स्टाइल एंड मैं उसकी सिस्टर से मिली एंड ये सो क्यूट है एंड यहाँ पे मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है। सो फ्रेंड्स मैं मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने देखा था कि इसको करने से ना ऐसे बाल कर्ल हो जाते हैं, सो मैंने अभी ये किया है। अगर देखने में कितना फनी और अजीब सा लग रहा है। चलो अब इसे ओपन करते हैं। हेलो, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे अब हम इसको ओपन कर देखते हैं होता है। ये हुआ है एंड ये वाला देखते हैं कि ये कैसे होता है। एंड फ्रेंड अब रुक जाओ। सो फ्रेंड्स एंड अब हम इसका ओपन करते हैं एंड हाउ इट इज लाइक। एंड ना मैंने देखा था इसका कि ये ऐसे करते हैं एंड मैंने अभी ट्राई किया एंड अब मैं सारे हेयर का करके देखती हूँ एंड मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने बाल ऐसे कर्ल कैसे करते हैं। फ्रेंड्स तो अभी ये देखो मेरे हैंड में क्या है, ये देखो देखो मेरे हैंड में क्या है, ये ना बताओ अब क्या है। ये ना ये फेक बेबी हेयर है क्योंकि मेरे पास तो बेबी हेयर है ही नहीं। सो मैं इसको ना अपने हेयर मतलब यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मेरे को बेबी हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ काश ये अच्छे से लग जाए। ये देखो मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे बेबी हेयर बहुत पसंद है इसलिए। सो मैं चलो ट्राई करते हैं इसको अच्छे से मैं हेयर पर लगाने का। सो चलो मैं इसको लगाती हूँ एंड प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ अच्छे से लग जाए। वाह क्या क्या लगा है ये। चलो हम थोड़ा सा और करते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़े मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे लगाऊँ, ये बहुत अजीब लग रहा है मेरे ऊपर एंड चलो फिर भी मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रही हूँ कि मेरे अच्छे से लग जाए। एंड पता नहीं क्यों मेरे बाल बाल मेरे ये लंबे हेयर आ जा रहे। तो चलो हम इससे पहले इसको पोनी टेल कर लेते हैं इसको यहाँ से। एंड हम कुछ बाल हम अपने नहीं करेंगे बिकॉज इसलिए ताकि अच्छे लगे बाल। सो यहाँ पे मैं अभी पोनी टेल कर रही हूँ एंड फाइनल मैंने पोनी टेल अपनी कर ली है एंड अब चलो इसको हम अपने हेयर पर लगाते हैं। अरे ये मेरी आईज पर बार बार आ जा रहा है एंड अब मैंने इसको फिर से लगा लिया अच्छे से एंड काश ये हो जाए अच्छे से। कैसे रहेगा अगर मैं अपने रियल हेयर को काट के बेबी कटिंग करूँ तो कैसे लगेगा? तो चलो हम अपने बाल को कट करते हैं। फ्रेंड्स मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो चलो हम इसी को लगा कर अपने फेक हेयर लगाते हैं यहाँ पर। चलो एंड ये कुछ ऐसे लगे हैं। फ्रेंड्स ये देखो ये थोड़ा सा हुआ यहाँ से एंड चलो अब हम इस तरफ से भी करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब तकलीफ हो रही है क्योंकि ना ये मेरे आंखों पर आ जा रहा है, फिर मैं अपनी आँखें कैसे खोलूँ। तो हम इसको फिर से थोड़ा सा ऊपर करके अपने चेहरे पर लगाते हैं। मैं कितनी फनी लग रही हूँ, मुझे खुद अपने आप पर हंसी आ रही है। आप बताओ मैं फनी लग रही हूँ कि नहीं? एंड चलो हम थोड़ा करते हैं अपने यहाँ पर। मैंने आउच ये हम करते हैं यहाँ पर अपने हेयर को यहाँ पर अच्छे से। ओह नाइस हो रहा है थोड़ा हो रहा है। चलो हम थोड़ा सा और करते हैं ताकि अच्छे से हो जाए।
एंड आप कमेंट्स में बताओ कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। ये जो मेरे रियल हेयर है ना, वो बार बार मेरे सामने आ जाने, देखो ये देखो दिख रहा है थोड़ा सा तो हुआ। ये जितना आपको देखने में इजी लग रहा है ना, बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। जिन्होंने ये लगाए है ना, उनको पता है कि ये इजी है कि नहीं, बट लग तो क्यूट रहे हैं ना। कैसी लग रही फ्रेंड्स में कमेंट्स में बताना। एंड ये अभी थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। एंड ओके प्लीज आ जा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये क्या है? ओके फाइनली इट्स चलो कम से कम हो तो रहे हैं ये। सो कैसे लगा फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग, कमेंट्स से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके सी यू फ्रेंड्स, बाय।